मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसे अपने फैमिली मेंबर के रूप में स्वीकार करें। इस बच्चे के पैदा होने तक कशिश यहाँ रह सकती है। मैं पीर बाबा के यहाँ जाना चाहती हूँ, मेरा नीरू ठीक हो जाए, बस यही चाहती हूँ मैं। मुझे अपनी धर्म पत्नी को यह जताने का मौका ही नहीं मिला कि कितनी खास जगह है उसकी मेरी जिंदगी में। आज मुझे यह मौका मिला है और आज मैं इसे गंवाना नहीं चाहता। क्या पता कल ये मौका मिले ना मिले। अपने पापा के लिए उनकी जिंदगी में हर एक पल में मैं खुशियां भरनी है, और ये तभी हो पाएगा जब आप खुद को संभालेंगी। आपको स्ट्रांग बनना होगा। अच्छा चलिए बैठिए, मैं कुछ मिठाइयाँ लेकर आया हूँ, आप टेस्ट करके बताइए मुझे कैसी है। बैठिए। नहीं सागर, मेरा मन नहीं। सागर, बहू जी ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। बैठिए बैठिए बैठिए। चलिए जी, टेस्ट करके बताइए कैसी है। नहीं सागर, मम्मी पापा की फेवरेट मिठाइयाँ हैं सब, आप टेस्ट करके बताएंगे तो सही कैसे बनाया हलवाई ने, पापा को पसंद नहीं आई तो। सागर मेरा बिल्कुल मन नहीं। ठीक है। थोड़ा मीठा ज्यादा है, पर कोई बात नहीं, पापा को आई थिंक अच्छा लगे, उन्हें मीठा बहुत पसंद है। ठीक है, आई थिंक बाकी सब तो सही है। नहीं सागर, तेरे पापा को कलाकंद में मीठा ज्यादा पसंद नहीं है। ये मैं थोड़ा टेस्ट कर लेती हूँ। हाँ हाँ, ये गाजर का हलवा और ये लड्डू भी टेस्ट करके बताइए ना। ये ठीक है। और ये लड्डू दादी आपको बापू बुला रहे हैं। हाँ? मम्मा आपकी रेसिपी टेलर की शॉप से आ गई है, तो आप रेडी हो जाओ। ओके, आपको तो रेडी होने में हेल्प चाहिए ना, क्योंकि आपके हाथ में तो मेहंदी लगी है। No problem. पापा आपकी हेल्प कर देंगे। ओके पापा, अब मैं जा रही हूँ, मुझे भी तो मेहंदी लगानी है। कृष्णा, एक्चुअली कृष्णा इज राइट, तेरे हाथों में मेहंदी लगी है तो। हाँ, वो सुप्रिया भाभी हेल्प कर देंगे। यस, भाभी हेल्प कर देगी। हम कृष्णा तो वो तो कुछ भी बोलती है। बट तू रेडी हो जाएगी ना, लेकिन यू विल मैनेज राइट? हाँ कर लेंगे। ग्रेट। कैसे पहने से हम? सागर ने तो कितने आराम से कह दिया, जा गंगा जाके रेडी हो जा। बहुत बदल गया सागर, उसके लिए शादी सिर्फ एक समझौता ही है। जैसे हम बाबू की खुशी के लिए समझौता कर रहे हैं, सागर भी वही कर रहा है। रहने दो, हम भी क्यों तैयार हो, हम भी ऐसे ही जाएंगे नीचे। मम्मा, आपका संगीत है और आप बिना तैयार होने बाहर जा रहे हो। कृष्णा, हमारे हाथों में मेहंदी लगी है ना, हम कैसे पहनेंगे, लहंगा कैसे पहनेंगे हम? देखा, मैंने कहा था ना कि पापा की हेल्प ले लो। हमें उनसे कोई हेल्प नहीं चाहिए। कृष्णा, मेरे हाथ में भी मेहंदी लगी है, नहीं तो मैं ही आपकी हेल्प कर देती।
एक काम करो, जाके सुप्रिया भाभी को बुला लो, वो हमारी हेल्प कर देंगे। अरे ताई जी ने भी तो कहा था ना कि वो भी मेहंदी लगाने वाली है। अरे तुम जाके उनको बोलो गंगा बुला रही है, वो हमारी हेल्प कर देंगी। जाओ जल्दी जाओ। जब तक सुप्रिया भाभी नहीं आती, हम खुद ही कोशिश करते हैं पहनने की। कृष्णा आपकी मम्मा कहाँ है? नीचे संगीत के लिए आई नहीं? मम्मा तैयार हो रही है ना, वो आ जाएंगी। पर वो तैयार कैसे होगी? उसके हाथों में तो मेहंदी लगी होगी ना। मैं उसकी हेल्प कर देती, लेकिन देखो मेरे हाथों में भी मेहंदी लगी है। कोई बात नहीं, पापा है ना, पापा हेल्प कर देंगे मम्मा की। ठीक है, लेकिन मम्मा को बोलना कि जल्दी से तैयार होकर नीचे आए, लेट हो रहा है। और माँ भी मुझसे 4-5 बार पूछ चुकी है। ठीक है? ओके। काम छोड़ दो, ये महाराज जी कर देंगे। और जाओ और मम्मा की हेल्प करो, ताई जी के हाथ में भी मेहंदी लगी है, इसलिए मम्मा कह रही है कि अपने पापा को भेज दो। गंगा ने कहा कि मैं उसके पास जाऊं। हाँ तो आपको क्या लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? तो जाओ और मम्मा से पूछ लो। रियली? हाँ। ओके। पहलवानी ने बाल तो बना दिए, लहंगा भी उसी से पहन लेना चाहिए। कैसे पहने अभी चुन्नी? सुप्रिया भाभी भी नहीं आ रही है। आ जाओ प्लीज अंदर, ये डोरी बांधो, नहीं तो भी फिर से कृष्णा आ जाएगी, चिल्लाना शुरू कर देगी कि हम तैयार नहीं हुए अभी तक। हमने बहुत कोशिश की लेकिन बंद ही नहीं रहा है, इसीलिए हमने कृष्णा से कहा कि तुम्हें बुला दें। बांध दो ना प्लीज। तुम्हें मेहंदी लगा के ना काम ही नहीं होता, इतनी मुश्किल से हमने लहंगा पहना। बहाना ढूंढती रहती है ना तू। ऐसी कोई बात नहीं है। और तुम अंदर कैसे आए? हम यहाँ चेंज कर रहे थे ना। और ये डोरी तुमने किससे पूछ के बांधी? किसने बोला तुम्हें बांधने को? किससे पूछ के बांधी? तुझसे और किससे? तूने तो कृष्णा को भेजा था मुझे बुलाने के लिए। हमने कब का? ये सारी कृष्णा की शरारत है। मुझे पता नहीं किसकी शरारत है, ठीक है? बाय द वे प्लीज, मुझे ऐसे पढ़ने का शौक भी नहीं है कोई। हमें भी कोई शौक नहीं। तो मैं कर देता हूँ। नियम कर लेंगे। चुपचाप खड़ी रहे, नखरे बाद में दिखाना, ठीक है?
हो गया, आंखें खोल सकते हो। थैंक यू। एनीथिंग एल्स? हम खुद कर लेंगे। हाथ में मेहंदी लगी है इसलिए कर रहा हूं। आप सबका स्वागत है। तो आज का ये संगीत फंक्शन दो कपल्स के लिए डबल सेलिब्रेशन, एक मेरे और गंगा की शादी और दूसरी पापा और मम्मी की मैरिज एनिवर्सरी। इतने स्पेशल ओकेजन पे सिर्फ तालियों से बात नहीं बनेगी। आज इतना अच्छा मौका है, मैं बहुत खुश हूं, तो मैं गाना पेश करना चाहता हूं, एक बहुत ही स्पेशल सॉन्ग जो बरसों पहले पापा ने मम्मी के लिए गाया था। तुमने बताया सागर को? बहुत जिद कर रहा था तो मुझे बताना पड़ा। पापा कम ऑन, मम्मी को यहां लेकर आइए प्लीज, कम ऑन। आओ मम्मी। अरे मॉम तो शर्मा रही, शर्माने से कुछ नहीं होगा, आइए। मॉम मम्मी प्लीज, बहुत ही अच्छा दिन है, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। आओ भी। महाराज जी म्यूजिक। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा, देता है हर कोई साथ, तुम अगर अन...
बहन है और अच्छी माई। तो मुझे भी अपने मम्मी पापा के लिए गाना बजाना है और वो दोनों यहाँ पर आके डांस करेंगे। बोलूंगी ऑन करने के लिए। ओके सागर, चलो। गंगा उठो ना, शर्माओ मत। कम ऑन मम्मा, कम ऑन पापा, आओ ना। जिया जिंदगी एक पल भी तुझसे होके जुदा, सुन जरा बिन तेरे मुझसे ना रोज था दिल, तू मिला है तो है कह रहा। मैं तो तेरे रंग में रंग चुका हूँ, बस तेरा बन चुका हूँ, मेरा मुझ में कुछ नहीं सब तेरा। मैं तो तेरे ढंग में ढल चुकी हूँ, बस तेरी बन चुकी हूँ, मेरा मुझ में कुछ नहीं सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा। फिर दिल के रास्तों पे तेरी आहट जो हुई, हर धड़कन जश्न में है ये इनायत जो हुई। मैं तो तुझे मिलके जी उठी हूँ, तेरी धड़कन में छुपी हूँ, मेरा मुझ में कुछ नहीं सब तेरा। जिंदगी के सबसे यादगार पल हैं ये, बहुत मीठे, बहुत खास। बहुत हो गया तुम लोगों का नाच गाना, अब देखो ये खुशियां कैसे गम में बदलती है। कितना मजा आया ना संगीत। कल तो और भी खास दिन है, मैडम से दोबारा शादी जो होने वाली है मेरी। कल सुबह के इंतजार में नींद नहीं आएगी। I'm so lucky माधुरी, जिंदगी हर रोज एक नया, एक खुशनुमा सरप्राइज दे रही है आजकल। हमारा बस चले, हम वक्त को यहीं रोक लें बाबू, एक भी दिन आगे ना जाने दें। दिल में ये डर तो नहीं रहेगा कि अपने बाबू के साथ बिताने को जो गिनती के दिन रह गए उनमें से एक दिन बीत गए, कम हो गए। माधुरी, गिफ्ट में क्या चाहिए तुम्हें? आपका साथ ही सब कुछ है मेरे लिए। मैं जानता था तुम यही कहोगे। माधवी ने हमेशा मेरा साथ दिया, हमेशा मुझे सपोर्ट किया, लेकिन मैंने कुछ ऐसा नहीं किया जो स्पेशल हो। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपने तो झूठ बोल रहे हो। तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें स्नोफॉल देखना है, याद है? मैं ले गया तुम्हें कश्मीर या शिमला,
नहीं ना, तुम्हारी इच्छाओं पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया मैंने। अफसोस होता है मुझे, यही तो प्रॉब्लम है। जिंदगी का क्या भरोसा, क्या पता कल क्या हो जाए। जिंदगी को, खुशियों को हम अनदेखा कर देते हैं, इग्नोर करते हैं। ऐसी बातें क्यों करते हैं हम? इतनी रात हो रही है, आपको नींद नहीं आ रही? मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ। देखा, फिर से नाराज कर दिया मैंने माधवी को। हेलो। यहाँ पे सब लोग जोर शोर से शादी की तैयारी में लगे हैं। बेचारे, उनको तो ये तक नहीं पता ये शादी नहीं बर्बादी होने वाली है सबकी। अरे हाँ हाँ, सब पता है मुझे। तुम ना सिर्फ मुझे इतना बताओ कि उनकी लाइफ बर्बाद करने के लिए तुमने क्या प्लानिंग की है। और ध्यान रहे, सारा काम सही ढंग से होना चाहिए, क्योंकि गलत काम का परिणाम अक्सर गलत ही होता है। सब अच्छे से होगा, मैं हूं ना, मैं सब संभालूंगी, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेकिन होगा कब? अभी, आज रात को। कल तक तुम्हारे पास खबर आ जाएगी, जो हमारे लिए तो खुश खबर होगी, लेकिन इन सब के लिए दुख भरी खबर।